कोलाहांडीवासीको पई केन्द्र सरकारको बड़ उपहार एबे उडाण भरिबार स्वप्न हेला साकार। आजिठु उत्केलाकु आरंभ हेला विमान सेवा। वर्चुअल मोडरे उद्घाटन करिसेंती केन्द्र बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। भुवनेश्वर एयरपोर्टरु मुख्यमंत्री नवीन पटनायक फ्लाग देखाई शुभारंभ करथवा बेले राज्य परिवहन और वाणिज्य मंत्री टुकुनी साहू, सदर विधायक प्रदीप्त नायक, कोलाहांडी लोकसभा सांसद बसंत पंडा, राज्यसभा सांसद सुजित कुमार उत्केलारे उपस्थित थिले। एने जिला सारा खुशीर लहरी खेली जाइछि। केन्द्र सरकार उड़ाण योजना अधीन संरक्षित एवं अणसंरक्षित विमान बंदर गुड़िकर पुनरुद्धार करुछन्ती। उत्केला विमान बंदर विकास करा जाइछि। पहले तो राखी के पर्व पर आप सबको मेरे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि जिन दो शहरों को हम जोड़ रहे हैं उन दोनों शहरों की एक महत्व केवल उड़ीसा नहीं, केवल भारत नहीं, लेकिन ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि पूरे विश्व में इन दोनों शहरों की एक महत्वपूर्णता आज नहीं लेकिन प्राचीन काल से सदैव रही है। भुवनेश्वर केवल उड़ीसा की राजधानी नहीं, लेकिन कहा जाता है कि भुवनेश्वर मंदिरों का शहर है, प्राचीनता की शहर है। और जैसे जनरल वीके सिंह जी ने कहा, उटकेला में जो भारत की प्राचीनता चाहे पाषाण युग या लोह युग में हम देखें कि मानवता की हर साक्ष्य को उटकेला में पाया गया है, तो आज जब हम इन दोनों शहरों को जोड़ रहे हैं और इन दोनों शहरों को जोड़ने के साथ साथ पूरे विश्व को भुवनेश्वर और उटकेला के साथ हम लोग जोड़ रहे हैं, आज ये एक सपना से कम नहीं था। मेरे कालाहांडी के निवासियों के लिए, जो एक क्षेत्र एक समय में कहा जाता था एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आज हवाई सेवा के साथ भी उस क्षेत्र को जोड़ने के लिए एक संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया था। रायपुर जयगर भुवनेश्वर जयगर ग्वालियर जयगर हमको उड़ाया आज हमें घरे एवं भुवनेश्वर दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता मद्रास पहुंचा। ये सुविधा केन्द्र सरकार नरेंद्र मोदी का नुआ प्रयास हमको विशेष सुविधा धन्यवाद एवं राज्य सरकार जगह एक बड़ी काम कर सुविधा जो दिन हमको धन्यवाद।